स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित संभावित प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आपके एग्जाम में इस सेट से जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए आप सभी लोग इस सेशन के प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, ताकि अगर आप प्रश्न भूल भी गए हैं तो आपका रिविजन हो और आज 1 अक्टूबर के दिन आप एग्जाम में प्रश्न सॉल्व करके आए। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है आपके सेशन का, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर एक नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब शाहजहां होगा, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, शक संवत की शुरुआत किसने की थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कनिष्क ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर तीन नंबर, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा तीन नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। चार नंबर प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए चार नंबर प्रश्न है आपका, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा चार के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका पाँच नंबर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ध्यान रखिएगा, दुधवा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी होगा पाँच के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए छः नंबर, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, छः के लिए सही जवाब नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर सात नंबर आपका प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। ध्यान रखिएगा, आपने चंपारण 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आठ नंबर आपका, देख लीजिए, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। आठ नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। ठीक है, नौ नंबर प्रश्न है, यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। लगाइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, नौ नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी दिसंबर, 11 दिसंबर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, दसवां नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए, अलकायदा किस देश का आतंकी संगठन है। ध्यान रखिएगा, 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। फिनलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा 11 के लिए सही जवाब। 12 नंबर प्रश्न है, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे। ध्यान रखिएगा, पंडित रविशंकर का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 13 के लिए सही जवाब। 14 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा 14 के लिए सही जवाब। 15 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन है आपके सामने, देख लीजिए। ध्यान रखिएगा, 15 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ था कमेंट में आप सभी लोग बताइए, काफ़ी बार हम इस प्रश्न को सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था। देखिए अगर 16 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, अकबर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, भारत की आज़ादी के बाद भारत में कितने बार वित्तीय आपात लागू हुआ है। एक बार भी नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मुंडको उपनिषद ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान क्या है। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च सैनिक सम्मान आपके प्रश्न का सही जवाब परम वीर चक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, भाग 4 में है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है आपके सेशन का, देख लीजिए, समुद्री मार्ग से भारत को खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया। पुर्तगाल के नाविक ने किया, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 22 नंबर प्रश्न है आपका, भाखड़ा नागल बहुद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। सतलज नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारतीय मंदिर को वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है। मुख्य विशेषता आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, 23 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी गोपुरम हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए, यहाँ पर 24 नंबर आपका प्रश्न है, किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी? शक्तिशाली नौसेना आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए चोल राजवंश के पास था, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, पार्सिया किस देश का पुराना नाम है? पार्सिया किस देश का पुराना नाम है? तो ध्यान रखिएगा पार्सिया जो नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, ईरान का नाम है, ठीक है। प्रश्न 26 नंबर आपका सिल्क कीट पालन संबंधित है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? भार क्या होगा आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा अपरिवर्तित रहेगा, भार अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 28 नंबर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है, मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूर्व है, ऑप्शन नंबर ए होगा 28 के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? ध्यान रखिएगा आयरन उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा 29 के लिए सही जवाब। 30 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम देख लीजिए नाभिकीय संलयन हो जाएगा और परमाणु बम हो जाएगा नाभिकीय विखंडन, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने दिया था? देखिए 31 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, जोसेफ लिस्टर का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, देख लीजिए ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, घटता है, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होती है, तो ध्यान रखिएगा गला ग्रसित होता है, ऑप्शन नंबर बी 34 के लिए सही जवाब होगा, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, एक्वासियोरकर तथा मरास्मस बीमारी किसकी कमी से होती है? देखिए बताइए 35 के लिए सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन की कमी से होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 36 नंबर, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो अभिसारी लेंस आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा इसे ही उत्तल लेंस कहा जाता है और अपसारी को अवतल लेंस कहा जाता है, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए समुद्री जल से नमक किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? मद निषेध, बिहार मद निषेध में प्रश्न पूछा गया है, वाष्पीकरण विधि, ऑप्शन नंबर बी होगा 37 के लिए सही जवाब, ठीक। 38 नंबर प्रश्न है, रतौधी किस विटामिन के कमी से होता है? ध्यान रखिएगा विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए को। 39 नंबर प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 40 नंबर प्रश्न है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए कीटों का अध्ययन ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 40 के लिए सी को ध्यान रखिएगा, एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी चर्बी। 41 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो सी हो जाएगा, ठीक है, चर्बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है? सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 42 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लाल, लाल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, सबसे आघात वर्धनीय धातु, देखिए सोना को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, क्या आते हैं? तो ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स में ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, स्टार्च और शर्करा, ठीक है। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 46 नंबर, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 46 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब होगा, ठीक है। नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी को वैक्सीजन की मंजूरी दी? देखिए 47 के लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा, भारत बायोटेक, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। प्रश्न है 48 नंबर, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 से 20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर क्या है?
ऑप्शन नंबर एक को ध्यान रखिएगा, 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है, नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है, कोलंबिया में आयोजित वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल किसने जीता है? मीराबाई चानू का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर प्रश्न है, भारत में आर्म्ड फोर्स फॉग डे कब मनाया जाता है? देखिए 51 के लिए जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, 7 दिसंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 52 नंबर, ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ध्यान रखिएगा, यानी कि 52 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, लूला डा सिल्वा का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश यूरोप को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? बताइए, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को, क्रोएशिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 54 नंबर, मशहूर सिंगर लीसा मेरी प्रेस्ली का निधन हो गया, वह किस देश की निवासी थी? देश पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 54 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को, यूएसए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए 55 नंबर, पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा बिलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? समाप्त किस शहर में होगी? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, डिब्रूगढ़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 56 नंबर, ब्रांड गार्सियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीयों को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? देखिए 56 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, मुकेश अंबानी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर, किस ब्रिटिश भारतीयों को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा, यानी कि 57 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मनीष तिवारी का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 58 नंबर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? देखिए ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो 58 के लिए सही जवाब निखत जरीन का नाम ध्यान रखिएगा। 59 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान रखिएगा 59 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। 60 नंबर प्रश्न है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एवं स्वायत्त एजेंसी है जो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वावधान में आती है? ध्यान रखिएगा 60 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। चलिए 61 नंबर प्रश्न है, साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा 61 के लिए सही जवाब सितिवेनी राबुका का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि विक्रमशिला है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए सॉरी 63 नंबर प्रश्न है आपका, यानी कि हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है? देखिए 63 का सही जवाब ध्यान रखिएगा हरियाणा, हरियाणा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 64 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 144वां रैंक है। कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका है? ध्यान रखिएगा 65 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी का, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न है, सप्तपणी गुफा स्थित है, सप्तपणी गुफा कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा 66 के लिए सही जवाब ऑप्शन सी, राजगीर में, कहाँ है? राजगीर में, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न मगध राजवंशों को कलमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ध्यान दीजिए हर्यक वंश ने पहले शासन किया, उसके बाद नंद वंश ने किया था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 4132 ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 68 नंबर प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ था, ध्यान रखिएगा। 69 नंबर प्रश्न है, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में स्थित है निर्मित की गई है,
ध्यान रखिएगा किसके द्वारा निर्मित की गई है। तो 69 का सही जवाब ऑप्शन सी जापानियों के द्वारा, जापानियों के द्वारा ऑप्शन नंबर ये होगा 69 के लिए सही जवाब। 70 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी उद्यमी योजना प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना को लागू करने में बिहार देश में कितना नंबर पर है। बिहार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा बिहार जो है एक नंबर पर है, एक नंबर पर है ऑप्शन नंबर ये आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो चलिए जीके जीएस से महत्वपूर्ण 70 प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में सॉल्व किए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, जिनका भी एग्जाम 1 अक्टूबर का है, यानी कि जो लोग एंट्री कर लिए हैं और जो लोग सेकेंड पाली में एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों को भी जीएस मैग्नेट की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप एग्ज़ाम अच्छे दें, इस बार आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।